नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर थ्री आइडेंटिकल कंटेनर हैविंग मर्करी वॉटर एंड केरोसिन ऑयल, इफ P1 इक्वल टू P2 देन फाइंड एज्वेल। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, P1 इक्वल टू क्या है P2, फाइंड एज्वेल। P1 और P2 क्या है, इक्वल है, तो P0 प्लस एच रो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 प्लस एच रो जी, P0 प्लस एच कितना है हमारे पास 2 इंटू रो क्या देगा 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 इक्वल टू P0 प्लस एच हमें निकालना है, रो क्या देगा 10 की पावर 3 इंटू 10, तो 10 की पावर 3 से कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, P0 से P0 कैंसिल, तो हमारे पास एच इक्वल टू क्या आ गया, एच इक्वल टू अगर हम देखें तो दैट इज द 2 इंटू 10 की पावर 13.6, 2 इंटू 13.6 अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू आ जाएगा 27.6 मीटर, 27.2 मीटर एच हमारे पास आ गया, दैट इज द आंसर। अब पूछा गया है अगर इफ सेकेंड पार्ट में H2 इक्वल टू H3 कर दिया जाए फाइंड H2, ओके तो इसमें क्या हो जाएगा, P0 प्लस H कितना, H1 कितना है हमारे पास 27.2 इंटू रो कितना है 10 की पावर 3 इंटू H3 10 इक्वल टू P0 प्लस रो कितना हो जाएगा इसका 0.8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू H2 हमें निकालना है 10, तो 10 से 10 कैंसिल, 10 की पावर 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, P0 से P0 कैंसिल, तो 27.2 इक्वल टू क्या 0.8 इंटू H2, तो H2 हमारे पास क्या आ गया 27.2 डिवाइड बाय में 0.8 कैंसिल हो गया, तो H2 इक्वल टू क्या आ गया 272 डिवाइड बाय में 8 तो 32 हमारे पास क्या आ गया 32 मीटर, दैट इज द H2, दैट इज आंसर।